हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितिका का ढाबा। तो आज हम सब मिलके बनाते हैं ये टेस्टी सा शाही पनीर। तो इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पे देखिए, मैंने लहसुन के दाने हैं ये थोड़े से रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने गोलकी का दाना और जीरा का दाना और अदरक रख लिया काट के। यहाँ पे मैंने काजू रखा है, मलाई रखी है दूध की, और यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक काट लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में तेल डाला है और उसको मैं गरम कर लूँगी। जब ये कढ़ाई का तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे और इसको हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, लाइट ब्राउन होने तक हमें इसको भूनना है अच्छे से, ताकि ये प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमारा प्याज अब सॉफ्ट हो रहा है, इसको हम थोड़े देर के लिए और भूनेंगे। लगभग हम 3 से 4 मिनट तक प्याज को भूनेंगे। अब जो इसमें हमारा जो भी मैंने मसाले रखे थे, अदरक, लहसुन, गोलकी और जीरा, जो भी मैंने रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं फ्राई करूँगी और मैं बंद कर दूँगी इसको। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और काजू और मलाई, इन दोनों को मैं मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी और ये जो इंग्रेडिएंट है इसको भी हम अच्छे से ठंडा करके पीस लेंगे। ये देखिए मैंने प्याज और मसाले पीस लिए हैं और यहाँ पे मैंने काजू और मलाई को भी पीस लिया है और यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी लिया है, जो मैं पहले भी दिखाना भूल गई थी। यहाँ पर देखिए मैं 1 चम्मच के अप्रॉक्स हल्दी पाउडर लूँगी, 1 चम्मच के अप्रॉक्स मिर्ची पाउडर लूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के अप्रॉक्स लिया है। यहाँ पे 4 लोगों का बना रही हूँ शाही पनीर। फिर जिस कढ़ाई में हमने वो भून के निकाल लिया था उसी कढ़ाई में हम बाकी का काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला है कढ़ाई में, आप देख सकते हैं कितना, जितना भी आप तेल खाते हो ऊपर नीचे कर लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले मैं कस्तूरी मेथी डालूँगी। कस्तूरी मेथी को मैं बिल्कुल जलाना नहीं है, ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए। तो इसमें हम जो हमारे हमने जो प्याज, लहसुन, अदरक और जीरे और ब्लैक पेपर का जो हमने जो पेस्ट बनाया था, अब मैं उसको तेल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक हमारा मसाला जो है वो फ्राई होके तेल ना छोड़ दे। यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं हमारा जो पीसा हुआ काजू और मलाई है उसको मैं डाल दूँगी। हमें इसको ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है क्योंकि जो काजू है वो पके कढ़ाई में फिर चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें इसको थोड़े देर के लिए भूनना है। अब देखिए मैंने पनीर जो है वो मैं घर पे बना के रखी हूँ, तो मैं इसको पीसेस में काट लूँगी। आप चाहें तो मार्केट का पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पनीर का रेसिपी बताऊं कि पनीर कैसे बनता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पे देखिए मैं बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े, मीडियम आकार के पनीर मैं काट लूँगी। यहाँ पे मैंने 1 kg दूध का पनीर निकाल लिया है, ये अप्रॉक्स 200 ग्राम के करीब है, जिसमें 4 लोगों का शाही पनीर बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए मैंने सारे पनीर के काट लिए हैं। अब मैं कढ़ाई में जो हमारा मसाला भून के तैयार है इसमें मैं पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि जो शाही पनीर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है। तो अगर आपको ज़्यादा लगता है कि आपको नहीं पता चलता है ये पानी ज़्यादा हो जाता है कम हो जाता है, तो आप धीरे धीरे करके मिलाएं। अब देखिए लगभग थोड़ा सा पानी और डलेगा और ये हमारा ग्रेवी बन के तैयार है। इसको हम एक उबाल आने देंगे इस ग्रेवी में, इसके बाद हम पनीर डालेंगे। आँच को मैंने बिल्कुल तेज़ रखा है। देखिए मेरा एक उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसमें जो हमारे पनीर कट के रखे थे उसको मैंने डाल दिया है। हमारा शाही पनीर बनके तैयार है। मैं इसकी प्लेटिंग कर लूँगी। मैंने प्लेट को सजा लिया है टमाटर और प्याज से। आप चाहें तो ऐसे भी सर्व करें, कुछ भी लगा दें, आपके मन अकॉर्डिंग है, जो भी सैलड यूज़ करना चाहते हैं। अब मैं इसकी सर्विंग करूँगी।
आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, सादे रोटी के साथ, नान के साथ, कचौड़ियों के साथ, पूरी के साथ, यहाँ तक कि आप इसको पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने गार्निश के लिए कुछ प्याज के टुकड़े और ग्रीन कोरिएंडर से इसको डेकोरेट किया है। आप चाहें तो लेमन के टुकड़े से भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब ये आपका खाने के लिए तैयार है, आप गर्मा गर्म इसको सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया।